हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फॉर लर्निंग। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी क्लास टू ईवीएस चैप्टर फूड वी ईट। इस चैप्टर के कंटेंट, बच्चे को किस तरह से समझाया जाए और फिर उनकी प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट वर्कशीट्स किस तरह से बनाया जाए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें। और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बच्चे को बताइए, फूड इज आर बेसिक नीड एंड एवरीवन नीड फूड फॉर लाइफ। अब यहाँ पहले बच्चे से ही पूछिए, देन आप एक्सप्लेन करिए कि फूड क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं। तो इट हेल्प अस टू ग्रो एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, इससे हम हेल्दी भी रहते हैं और ग्रो भी होते हैं। एंड फूड गिव्स अस एनर्जी टू प्ले एंड स्टडी, आप जो पढ़ते हो, खेलते हो, भागते दौड़ते कूदते हो, उसके लिए आपको एनर्जी या ताकत कहां से आती है, खाना खाने से आती है। तो फूड हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बल्कि सभी के लिए फूड जरूरी है, चाहे वो एनिमल हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, सभी को फूड चाहिए फॉर देयर लाइफ। अब बच्चे को बताइए सोर्सेज ऑफ फूड। तो फूड के दो सोर्स होते हैं मेनली, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट वेस्ट फूड यानी प्लांट से मिलने वाले फूड जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड दाल, सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, कॉर्न, मिलेट, वार्ली, ऑयल भी हमें प्लांट सीड से मिलते हैं। स्पाइसेस, सब्जियों में जो मम्मा इतने मसाले डालती हैं, हल्दी, धनिया, ये सारे क्या है, स्पाइसेस है। और वो कहाँ से आ रहे हैं, प्लांट से आ रहे हैं। टी एंड कॉफी, वो भी प्लांट से ही मिलते हैं, टी लीव्स होती है और कॉफी के बीन्स होते हैं। शुगर एंड जैगरी, जो आप स्वीट्स खा रहे हो या हलवा खा रहे हो, डेजर्ट खा रहे हो, वो मीठा कैसे हो रहा है, शुगर से, और शुगर कहाँ से आ रहा है, शुगर केन यानी प्लांट से आ रहा है। नाउ एनिमल से मिलने वाली फूड, मिल्क, मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, काउ, गोट एंड बफेलो से। देन एग्स, एग्स हमें हैन और डक से मिलता है। मीट, मीट अगेन हैन, फिश और गोट से मिलता है। हनी बी से हनी मिलता है। जब आपने बारी बारी से इसे समझा दिया, देन और भी क्लियर करने के लिए आप या तो बुक्स में दिए हुए फोटोज दिखाइए या किचन में जाकर उन्हें चीजें दिखाइए कि ये राइस है, व्हीट, कॉर्न, मिलेट क्या होते हैं। देन पल्सेस क्या हो गए, बीन्स क्या है, किडनी बीन्स क्या है, चिक पीस या छोले क्या है। इसी तरह से ऑयल, अलग अलग तरह के मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये आप दिखा सकती हैं। टी बच्चे को दिखा सकती हैं कि टी लीफ से बनती है और वो कैसा यूज हम कर रहे हैं, वो भी दिखाइए। कॉफी दिखाइए, इस तरह से फोटो या रियल थिंग देखकर बच्चे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। देन टाइप्स ऑफ फूड आता है, फूड्स को उनकी क्वालिटी के आधार पे तीन ग्रुप्स में बांटे गए हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड ऐसे राइस, शुगर, पोटैटो, घी, बटर एटसेट्रा, दे गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ये खाने से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम एनर्जेटिक होकर खूब खेलते और काम करते हैं। नाउ बॉडी बिल्डिंग फूड जैसे पल्सेस, मिल्क, एग्स, मीट, पनीर, सोयाबीन, इन चीजों में प्रोटीन ज्यादा होता है और ये हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बोन्स को मजबूत बनाते हैं। नाउ प्रोटेक्टिव फूड जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से और हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। इस चीज को लर्न करवाने के लिए आप बच्चे के प्लेइंग एरिया में या स्टडी जोन में उस तरह से चार्ट पेपर पे बनाइए और हैंग कर दीजिए ताकि आते जाते बच्चा देखे और एक बार रिवाइज कर ले। नाउ मील्स ऑफ द डे, थ्री मेन मील्स भी होते हैं एक दिन में, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में लेते हैं और ये हमारे डे का फर्स्ट मील होता है, देन लंच आफ्टरनून में एंड डिनर नाइट में लेते हैं। हो गया नाउ टाइप्स ऑफ डाइट्स, अब डाइट्स क्या हो गया, तो फूड दैट वी ईट एवरी डे इज कॉल्ड आर डाइट। यहाँ बच्चे को बताइए कि हमें डाइट भी बैलेंस्ड लेना चाहिए, यानी हर टाइप ऑफ फूड को इंक्लूड करना चाहिए हमारे डाइट में, जैसे बुक में दिए हुए इस पिरामिड से समझाइए, बच्चे को बताइए कि ये फूड पिरामिड है और यहाँ जो चीज नीचे है उसे हमें ज्यादा खाना है, देन कमते हुए धीरे धीरे ऊपर जाने, ऊपर वाली चीज को सबसे कम खाना होता है और इन सभी चीजों को मिलाकर ही हमारा बैलेंस डाइट बनता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कैंडी पसंद है या पेस्ट्री पसंद है तो पेस्ट्री खा लो और उसी से पेट भर गया, फिर देन चपाती और राइस खाने की जरूरत ही नहीं। देन वेजिटेरियंस यानी वैसे लोग जो केवल फूड, वेजिटेबल, सीरियल एंड पल्सेस खाते हैं, वैसे लोग जो इनके साथ साथ यानी फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स के साथ साथ एग्स, फिश या मीट भी खाते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन हो गए। तो ये भी जरूर बच्चे को समझाइए। देन जंक फूड, वैसे फूड जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, जैसे पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स, कुरकुरे, जो आप ज्यादा खाते हो वो जंक फूड है और वो अनहेल्दी फूड है। नाउ अगेन एक टर्म आता है डेयरी फूड, डेयरी फूड वैसे फूड जो मिल्क से बनते हैं, जैसे
पनीर, कर्ड, घी, चीज, बटर, ये सारी चीजें डेयरी फूड कहलाती हैं। ये हमारी बारी आती है वर्कशीट की। तो फर्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बनाइए, कंप्लीट द बैच चार्ट। यहाँ सिंपली बच्चे को वैसे फूड जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं उनके नाम लिख देने हैं। तो प्लांट से हमें क्या मिल रहा है, राइस, वीट, पी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ऑयल एंड सुगर। ये चीजें होंगी, बच्चे खुद ही सोच के इसको भरे। देन फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल से मिलने वाले फूड के नाम यहां लिखने होंगे, तो फिश हो गया, एग, क्रैब, मीट, हनी, मिल्क, प्रॉन्स। तरह से इसे कंप्लीट करना है, इसमें बच्चे को बड़ा मजा आता है। देन टिक द करेक्ट आंसर, सही ऑप्शंस को टिक करना है। वी नीड फूड टू स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे अलाइव, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ। वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर टेस्ट चेंज, हेल्थ, या नॉन ऑफ दीज। तो हेल्थ के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं। नाउ एनर्जी गिविंग फूड इज डैश, ब्रेड, राइस, पोटैटो, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होगा। ये तीनों फूड एनर्जी गिविंग है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ हेल्दी फूड, इनमें से हेल्दी फूड कौन सा नहीं है, पल्सेस, एग्स, वेजिटेबल्स, या बर्गर। तो बर्गर जंक फूड है, ये हेल्दी नहीं है, इसे टिक करना है। विच इज ए प्रोटेक्टिव फूड, अब इनमें से प्रोटेक्टिव फूड कौन सा है, घी, शुगर, पनीर, या फ्रूट्स। तो फ्रूट्स प्रोटेक्टिव फूड है। Now, fill in the blanks. Box में दिए हुए वर्ड से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फूड गिव्स अस गैस, अब फूड हमें क्या देती है, एनर्जी। तो एनर्जी यहाँ लिख देना है और इस एनर्जी को कट करना है। वी हैव डैश एट नाइट, नाइट में हम क्या लेते हैं, डिनर। तो डिनर यहाँ लिखना है। नो वन कैन लीव विदाउट डैश फूड, फूड के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। फ्रेश फूड इज गुड फॉर हेल्थ। वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द डैश मॉर्निंग। ये हो गया फिलअप। नाउ ट्रू और फॉल्स, फूड इज आर बेसिक नीड, ट्रू। वी ईट लंच इन मॉर्निंग, फॉल्स, लंच हम आफ्टरनून में लेते हैं। फूड शुड नॉट बी केप्ट कवर्ड, फॉल्स, फूड हमेशा कवर्ड होनी चाहिए। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, ट्रू। कर्ड एंड घी आर जंक फूड, फॉल्स। Breakfast is the first meal of a day, true. We should always overeat, no, false, हमें overeat नहीं करना चाहिए। We should eat only one kind of food that we like, नहीं, हमें balanced diet लेना है, सभी कुछ खाना है। Milk help us to grow and become strong, true. इस तरह से true or false हो गया। Now choose the correct option, अब इन दिए हुए ऑप्शन में से करेक्ट को टिक करना है। जैसे वी मस्ट ईट आर डिनर एट 11 PM और 8 PM, तो हमें 8 PM पे डिनर ले लेना चाहिए। वेजिटेरियंस डू नॉट ईट एग्स और फ्रूट, तो वेजिटेरियंस क्या नहीं खाते हैं, एग्स नहीं खाते हैं। ईट प्रॉपरली बर्न्ड या कुक्ड फूड, तो कुक्ड फूड खाने चाहिए। वॉश योर हैंड्स या फीट, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। Eating a lot of candies or vegetables is unhealthy. तो candies unhealthy होते हैं। We make ghee from milk or eggs. तो ghee milk से बनता है, इसलिए milk tick हो गया। Now matching. अब sentence को complete करना है by matching. Chew your food well. Do not eat unpowered food. We must drink plenty of water. Visit your dentist regularly. इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया मैचिंग से। नाउ गिव टू एग्जांपल, तो प्लांट से मिलने वाले दो फूड आइटम क्या हो गया, राइस हो गया एक, तो कोई फ्रूट भी लिख सकता है बच्चा, या पल्सेस हो गए। फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से मिलने वाले दो फूड आइटम्स, तो एक तो एग हो गया और मिल्क। फूड दैट आर अनहेल्दी, अनहेल्दी फूड यानी जंक फूड के नाम लिखने हैं, तो ये हो गए चिप्स एंड बर्गर या नूडल्स। अब क्वेश्चन आंसर, बट सिंपल वाले, सिंगल लाइन वाले, जैसे व्हाट डज फूड गिव अस, तो फूड हमें क्या देती है, एनर्जी। तो यहां लिखना है फूड गिव अस एनर्जी। व्हाट डू यू नीड टू ग्रो, वी नीड फूड टू ग्रो। इस तरह से एक लाइन में आंसर करना है। राइट एनी टू गुड ईटिंग हैबिट्स, टू गुड ईटिंग हैबिट्स, जैसे डू नॉट ओवर ईट, डू नॉट वेस्ट फूड, या ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, इस तरह से पहले आप चैप्टर को समझाइए, दिखाइए किचन में जाकर ये सारी चीजें क्या हैं, उनके खाना खाते समय पूछिए कि आप कौन सा मील ले रहे हो और जो आप खा रहे हो ये प्लांट बेस्ड है या एनिमल बेस्ड है, और फिर इस तरह के वर्कशीट बनाइए और उनकी प्रैक्टिस करवाइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।